नमस्कार, मैं नीलम राजपुरोहित, लेक्चरर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज हम फाइनल ईयर के सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ फैशन सीडी 303 में फैशन फोरकास्टिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। फैशन फोरकास्टिंग करने के लिए फोरकास्टर्स को कुछ विधि, मेथड्स एंड टेक्निक्स के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। वे इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक बेहतर फोरकास्टर बन सकते हैं। ये 7 स्टेप्स हैं। पहला, आइडेंटिफाई द बेसिक फैक्ट्स अबाउट पास्ट ट्रेंड्स एंड फोरकास्ट। पिछले ट्रेंड्स और फोरकास्ट के मूल तत्वों को पहचान कर वे कार्य करें, जिससे कि उनकी फोरकास्टिंग बेहतरीन हो सके। दूसरा, डिटरमाइन द कॉज ऑफ चेंज इन द पास्ट। पूर्व में, पास्ट में जो भी ट्रेंड रहे हो और उसमें जो भी बदलाव आए हो, उन कारणों को जानें और कार्य करें। तीसरा है, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन पास्ट फोरकास्ट एंड एक्चुअल बिहेवियर्स। पूर्व में जो भी फोरकास्ट की गई और हकीकत में क्या व्यवहार रहा। फोरकास्ट किसी ट्रेंड के बारे में की गई हो, थोड़े बदलाव के बाद में व्यवहार में आई हो, तो उसके बारे में जाने। चौथा है, डिटरमिन द फैक्टर्स लाइकली टू अफेक्ट ट्रेंड्स इन द फ्यूचर। आने वाले समय में ट्रेंड्स पर प्रभाव डालने वाले तत्वों की पहचान करें कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन पर क्या चीज़ें प्रभाव डाल रही हैं। उन सब कारकों की पहचान करके फिर वो फैशन फोरकास्टिंग करें। पांचवा है, अप्लाई फोरकास्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स वाइल पेइंग अटेंशन टू इश्यूज ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। फोरकास्टिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, उन्हें सटीक व विश्वसनीय फोरकास्ट के लिए उपयोग में लाएं। सिक्स्थ है, फॉलो द फोरकास्ट कंटिन्यूली टू डिटरमिन रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट डेविएशंस फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। आशा व अनुमान से हटकर कुछ हुआ है यदि, तो उन कारणों को जानने के लिए उन फोरकास्ट को वो लगातार फॉलो करें। एंड 7th, रिवाइज द फोरकास्ट व्हेन नेसेसरी। ऐसा नहीं है फोरकास्ट किया और हम उसे भूल जाएं। जब हमने फोरकास्ट किया है तो टाइम टू टाइम आवश्यकता पड़ने पर हम उसको रिवाइज भी करें। अब हम फैशन फोरकास्टिंग करने की कुछ विधियों के बारे में जानें। इन विधियों में पहली है, ट्रेंड्स का रुख पहचानना, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। फैशन जगत में यह अत्यंत आवश्यक है कि जो भी ट्रेंड्स वर्तमान में प्रचलित हैं अथवा जिनका भविष्य में प्रचलित होने की संभावना है, उसे एक अच्छा फैशन फोरकास्टर पहले ही भांप ले और इस विधि के अनुसार कार्य करे, जिससे किसी डिज़ाइन का स्टाइल या सही रूपांतरण लोगों तक सही समय पर पहुंचाया जा सके। दूसरा है, सूचना के साधन, इंफॉर्मेशन टूल्स। वर्तमान युग में यह अत्यंत प्रचलित तंत्र है। हम सब जानते हैं कि आज के युग में सूचना के साधन, इंटरनेट, मीडिया, मैगजीन्स आदि बहुत प्रचलित है, और हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम इनका सहारा लेते हैं। संसार या विश्व की संपूर्ण व्यवस्था वर्तमान में इन सूचना तंत्र के इर्द गिर्द घूमती है। इस विकसित तंत्र के कारण विश्व का परिदृश्य काफ़ी छोटा व आम लोग की पहुंच के दायरे में आ गया है। हर कोई अपने हाथ में उपलब्ध सूचना के साधन से विश्व की किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसमें कला, साहित्य व फैशन में होने वाले बदलावों के प्रति लोग अत्यंत सतर्क हो गए हैं, और इसके साथ साथ
विश्व में कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो फैशन के परिदृश्य पर ही अपना दृष्टिकोण पूर्वानुमान के रूप में देती हैं। यह संस्थाएं उपभोक्ता के बाइंग बिहेवियर के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करती हैं। तीसरा है करंट इवेंट्स, समसामयिक घटनाएं, यानी कि आज के युग में एक व्यक्ति यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक रहता है कि विश्व में आखिर चल क्या रहा है। इसका अर्थ चाहे हम राष्ट्र या विश्व के सामाजिक परिदृश्य, राजनीतिक गणित, आर्थिक भूगोल या नई टेक्नोलॉजी के नए आविष्कारों से लगाएं, ये सभी चीज़ें व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने लगी हैं। यही स्थिति फैशन जगत में भी है। व्यक्ति के अच्छे आर्थिक स्तर ने अपने को अलग दिखाने की चाहत में उसने यह अभिरुचि उत्पन्न की है कि क्या नया करके वह दूसरों से अलग दिख सकता है और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकता है। यह सभी कारण जो भी समसामयिक घटनाएं हो रही होती हैं बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। फोर्थ है बिक्री को बढ़ाने के साधन, सेल्स प्रमोशन इफेक्ट्स। सेल्स प्रमोशन यानी कि फैशन फोरकास्टिंग करते समय फोरकास्टर मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग व पब्लिसिटी, फैशन के इन तीन शब्दों से परिचित होता है। इन तीनों कारकों को ध्यान में रखकर वो आने वाले फैशन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग मटेरियल की फोरकास्ट करके सेल बढ़ाने में सहायक हो सकता है। साथ ही साथ सेल्स प्रमोशन के लिए निम्न मेथड्स का प्रयोग भी किया जाना चाहिए, जैसे समय समय पर कूपन देना, फ्री सैंपल्स देना, रिवॉर्ड पॉइंट्स देना, रिबेट यानी कि छूट देना, किसी भी प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना आदि। अब पॉइंट आता है कि लोगों की रुचि के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट कार्य किया जाए। कोई भी स्टाइल या डिज़ाइन यदि समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं तथा उस देश की जनता की सभ्यता व संस्कृति को ध्यान में रखकर क्रिएट किए जाएं, तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उस डिज़ाइन को प्रचलित होने से रोक सके। लोगों पर जैसे जैसे ज्ञान व सूचना का प्रभाव पड़ता जाता है, वैसे ही नए के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता जाता है और यही गुड टेस्ट का परिचायक है। फैशन फोरकास्टिंग में इस बिंदु का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन अगर लोगों के टेस्ट पर खरा उतरता है तो वो अत्यंत प्रचलित हो सकता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट जो है अपना, समय की महत्ता, इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग। एक सफल फैशन फोरकास्टर के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह फैशन फोरकास्टिंग करते समय टाइम का पूर्ण रूप से ध्यान रखे। आमतौर पर कोई भी डिज़ाइन या स्टाइल बाजार में प्रस्तुत करने से एक साल या कम से कम 6 महीने पूर्व उस पे अनुसंधान, उसका अध्ययन पूरा हो जाना चाहिए तथा 3 महीने पूर्व किसी आने वाले सीजन के लिए डिज़ाइन मार्केट में आ जाना चाहिए। समय के अनुरूप फोरकास्टिंग करते समय डिज़ाइन की मांग, उसकी बिक्री तथा कपड़े की उपलब्धता के बारे में भी ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः इन समस्त बिंदुओं का अध्ययन करने के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि फैशन फोरकास्टिंग बदलते दौर में, बदलते ट्रेंड्स के अनुरूप देश विदेश में चल रही अलग ट्रेंड्स पर ध्यान देकर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होने वाला नया ट्रेंड तैयार करने से है। धन्यवाद।